प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। योजना के 10 लाभार्थियों को मंच से दिया जाएगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर खुली बैठक की अध्यक्षता कर रचा नया इतिहास। उन्होंने समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बांटी राहत सामग्री। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश। और संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेगासस और किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा रहा जारी। हंगामे के बीच लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 विधेयक किया गया पारित। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के महोबा जिले में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अलावा प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि आज उज्ज्वला योजना के 10 लाभार्थियों को मंच से योजना का लाभ भी दिया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 जो योजना है उसके शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसका मुख्य कार्यक्रम जो है वो महोबा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सेंट्रल से हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब रहेंगे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य माननीय भी हम लोगों के जनपद में उपस्थित हो रहे हैं उस कार्यक्रम के लिए। तैयारियां आप लोग देख रहे हैं कि करीब करीब कंप्लीशन के स्टेज में है। हमारे टेंट कनाल सारी चीज़ों की तैयारियां हो गई हैं, जितने भी सेफ हाउसेज बनने होते हैं, जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं होनी होती हैं, हेलीपैड की व्यवस्थाएं होनी होती हैं, सब सारी व्यवस्थाएं जो हम लोगों की करीब करीब पूर्ण हो गई हैं। हम लोग करीब 5,000 लाभार्थी हम लोगों के यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उसमें से 10 लोगों को हम लोग यहाँ पे जो उनका प्रमाण पत्र है उसका वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 लाभार्थियों को अलग अलग प्रदेशों के लाभार्थियों से वार्ता की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की समुद्री सुरक्षा पर खुली बैठक की अध्यक्षता कर एक नया इतिहास रच दिया। इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन, ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरिटाइम डिस्प्यूट्स और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरिटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस साझा धरोहर यानी समुद्र की सुरक्षा को लेकर विश्व के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इसकी सुरक्षा को लेकर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक चर्चा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता कर नया इतिहास रचा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने समुद्री विवाद, आतंकवाद, समुद्री डकैती समेत दूसरी चुनौतियों के समाधान के लिए आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता, यह एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा को लेकर विश्व के साथ 5 मूल सिद्धांत साझा किए। उन्होंने कहा, पहला मंत्र है वैध समुद्री व्यापार से प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। सभी की समृद्धि समुद्री व्यापार के सक्रिय फ्लो पर निर्भर करती है। इसमें आई अड़चने पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है। प्रधानमंत्री ने दूसरा सिद्धांत बताते हुए कहा कि समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। आपसी भरोसे और विश्वास के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। पीएम ने तीसरे सिद्धांत में बताया कि प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स की ओर से पैदा किए गए समुद्री खतरों का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। चौथा सिद्धांत ये है कि समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधन को संजोकर रखना होगा। समुद्रों का जलवायु पर सीधा प्रभाव होता है, इसलिए समुद्री पर्यावरण को प्लास्टिक और तेल गिरने जैसे प्रदूषणों से बचाना होगा। जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन दिया जाए। पांचवें सिद्धांत के तहत पीएम ने कहा कि जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के विकास में देशों की वित्तीय स्थिरता और अवशोषण क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा। भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। बता दें कि अगस्त के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। संसद में सोमवार को 3 बिल पारित किए गए, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग संविधान संशोधन बिल समेत 3 विधेयक पेश किए गए। ओबीसी संशोधन बिल पारित होने से राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन का अधिकार मिल जाएगा। विधेयक को आज चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। सरकार और विपक्ष दोनों इस पर एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग प्रदेश सरकार से संस्तुति भेजेगा। प्रदेश में वर्तमान में कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यशवंत सोरेन ने बताया है कि उनके पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए थे। देश के कई इलाकों में बाढ़ की भयावह स्थिति से लोग बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। काशी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इटावा के बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया और उनसे संवाद किया। इसके पूर्व उन्होंने जनपद के चकर नगर और इटावा तहसील के 40 गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। औरैया और इटावा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जनशक्ति मंत्री को 2 दिन पहले ही भेजा था और स्थिति का जायजा लिया था। साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री 3 दिन से यहां कैंप किए हुए हैं, बचाव कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह प्रभावित लोगों को राहत सामग्री और दवा आदि पहुंचाने में जुटा हुआ है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलना है। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा दवा की व्यवस्था, हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक एक नाव की व्यवस्था, एसडीआरएफ,
एनडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में मौका हो, जब तक विद्युत की आपूर्ति होती है तब तक लाइट की कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो, जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट या कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने और पशुओं को भी चारा उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट निर्देश यहां पर संबंधित विभागों को दिए गए हैं। सभी विभाग बचाव और राहत कार्य में लगे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लगातार उस पर प्रदेश सरकार का भी, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी और प्रशासन की भी नजर है और मिलकर के टीम वर्क के साथ राहत और बचाव के साथ साथ हर व्यक्ति को राहत उपलब्ध करवाने की भी पूरी कार्रवाई संपन्न की जा रही है। देश का किसान खुशहाल हो और उसकी कमाई बढ़े, केंद्र सरकार की ये प्रतिबद्धता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवी किश्त किसानों को प्रदान की है। इसके तहत 9,75,00,000 लाभार्थी किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। कार्यक्रम के दौरान किसान लाभार्थियों से संवाद किया गया और उनको संबोधित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कृषि को समृद्ध करने में छोटे किसानों की अहम भूमिका की भी सराहना की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक अहम योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत सीधे किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी की, जिसके माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से संवाद किया और उनको संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बीते सालों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इसमें लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय भारत की कृषि को नई दिशा देने का है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। पीएम ने अन्नदाता की सराहना करते हुए कहा कि महामारी के दौरान भी सबने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानियां कम हो सकें। डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग
1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी जिक्र किया और इसके फायदे गिनाए। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडियां हैं उनको भी इस फंड से मदद मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश के किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी हर सुविधा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवी किश्त जारी की। इसके तहत प्रत्येक किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे गए। उपनिदेशक कृषि राजेश कुमार ने बताया है कि चित्रकूट जिले के 1,33,000 किसानों के खाते में 26,60,00,000 रुपए डीबीटी के तहत किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लाभार्थियों ने बताया है कि ये योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। सम्मान निधि योजना जारी की है, ये फरवरी 19 से चल रही है और इसमें चित्रकूट जनपद के जो किस्त मिलेगी इसमें 1,33,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा तथा इसमें 26,60,00,000 रुपए मिलेंगे। बहुत ही जल्दी जितने भी जनपद में किसान हैं उनको हम 100% दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रधान निधि से पैसा मिल रहा है 2,000 लोग हम किसानों के लिए ये बहुत बड़ा सहयोग है सर। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 2,000 रुपए मिल रहा है ये हम कोरोना के समय में जो है जब काम बूत नहीं चल रहा था सर इसलिए जो है वही पैसा निकाल कर जो है हम खेती किसानी में लगा दिया। उसी से हमारे देखिए आपके सामने फसल तैयार है और अच्छी फसल भी हो गई और ये नौवीं किस्त जो जारी हो रही है सर ये भी खाद बीच में जाएगी और आपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। ये नौवीं किस्त आज 9 तारीख 9 अगस्त को जारी हो रही है और हमें इस किस्त के माध्यम से किसान भाइयों को कृषि निवेश के लिए इनपुट के लिए खाद बीज के लिए पैसा मिल जाता है और उस माध्यम से फसल तैयार होती है। किसानों को इस समय ये पैसा मिल रहा है वो किसान के खर्चे के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने लागू की। प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 रुपया सालाना किस्त दिया है उसमें हमने किसान खाद बीज भंडार के लिए अपना जो सहयोग हुआ है खेती के लिए उपयोग किया है। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नवी किस्त खाते में आने से किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में 2,40,000 किसानों को किसान सम्मान निधि उनके खातों में आनी शुरू हो गई है। किसानों ने बताया है कि धान की रोपाई लगभग पूरी हो गई है, अब धान की फसल के लिए खाद और दवा खरीदने के लिए ये पैसा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। किसानों को किसान सम्मान निधि खाते में हस्तांतरित होने की सूचना उनके मोबाइल पर सीधा उनके पास पहुंच रही है जिससे उन्हें कहीं कुछ बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उप कृषि निदेशक ने बताया है कि 2-3 दिन में सभी किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा हमें नौवीं किस्त मिल चुकी है और हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और व्यक्त करते हैं। अब हमारे फसल के लिए कीटनाशक दवाइयां भी हम खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा जिस तरीके से हमको पैसा दिया जा रहा है उस तरीके से सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मोदी जी जो नौवीं किस्त किसानों को दिया है किसान सम्मान निधि, इससे हम लोगों का धान तो बैठा गया है
लेकिन आगे उसमें खाद और दवा देने में थोड़ा सहयोग हमें मिल जाएगा और इससे खाद और दवा पड़ जाएगी हमारे धान में। और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नवी किस्त वहाँ सम्मान निधि में है, वहाँ आएगा है मोदी जी का धान, ऐसा कुछ रुपाई होएगा है, खाद और दवा दे में है। अब हम सबको आसानी है और मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि जो हम लोगों को दिया जा रहा है उसकी नवी किस्त आज मुझे मिल गई। इस समय हमें खाद और दवा की ज़रूरत है धान में डालने के लिए और हमारी नवी किस्त आ गई, अब हम बड़े आराम से डाल सकेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी। कोविड काल के दौरान लॉकडाउन के चलते किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 2,000 रुपये किश्त बैंक खातों में भेज दी है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। किसानों का कहना है कि इस योजना से किसानों को जहां खेती करने में आसानी हुई है, वहीं वर्तमान हालातों में घर खर्च में राहत पहुंची है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों का पूरा ध्यान रख रही है। बरेली जनपद में पीएम किसान पोर्टल पर 4.71 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं। देखिए, बरेली में प्रति 4 महीने में सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आ रही है और अब तक आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9वीं किस्त सभी किसानों को जारी की है दिल्ली से, और किसानों से वार्ताएं भी की हैं। आज हमारे जनपद में 4,71,843 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, जो 9वीं किस्त की धनराशि इतने किसानों को हमारे यहाँ से भेजी गई है। ये लगभग बरेली जनपद में 94 करोड़ रुपये की धनराशि हमारे किसानों को मिलेगी इससे, और जिससे किसान अपना इस फसल के सीजन में उसको कुछ सहायक बनेगा, वो अपने निवेश में कुछ खर्च कर सकेंगे जिनसे आगामी फसल के लिए वो उनके लिए लाभकारी होगा। इस पर पानी लगा देते हैं, खाद लगा देते हैं, इस पैसे को उसी में काम ले लेते हैं क्या? खादा सर बहुत रहा है, जैसे पैसे आते रहा है, पूरी किस्त में अपना लगाते रहो, कहते खेती में थोड़ा बहुत लगाते रहो, मालूम नहीं पड़ेगा काम धंधा है वो मिलता है कभी नहीं मिलता है, अड्डे पे मजूरी करने वाले हैं। ये हमारे किस्त के पैसे आ रहे हैं, हाँ हम खेतीबाड़ी में पैसे जो लगाते हैं जो किस्त के पैसे आते हैं, और बाकी जो कुछ बचता रहता है वो अपने खर्च में ले लेते हैं। ये प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है हम किसानों के लिए। फायदा जय हिमालय यार, 10,000 5 बार में अगर मिलेगा तो 10,000 में किसी भी काम के खेतीबाड़ी में किसी भी काम में लगा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरधान में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद दूरदर्शन से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछली कोविड महामारी के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान चला है। पीएम केयर फंड और स्थानीय सांसद विधायकों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के रखरखाव का एक कार्यक्रम है। पिछले इस साल के कोविड के महामारी के बाद में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट सभी सीएचसी और जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला था, तो पीएम केयर फंड से और सीएसआर फंड से, फिर माननीय सांसद और माननीय विधायकगण के उनके सहयोग से, ये जितने भी आप सीएचसी देख रहे हैं और खास करके इस सीएचसी पर प्रधान पर, यहाँ पर माननीय विधायक मंजू जी उनके सहयोग से ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगा है जिसका अभी उन्होंने शुभारंभ भी किया है, और इसी तरह सभी सीएचसी पर लगने जा रहे हैं और लगभग लग भी गए और कॉन्सेंट्रेटर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ गए। वो तैयारी हमारी ऑक्सीजन की और पीडियाट्रिक ICU 18 साल के बच्चों के नीचे के लिए पीडियाट्रिक ICU मेडिकल कॉलेज में 100 बेड में, जिला अस्पताल में 50 बेड में, और सीएचसी पर हमारे जितना भी ज्यादा हो पाता है इसको उन्होंने स्थापित कर दिया है, ट्रेनिंग भी हो चुका है, उस हिसाब से हम अगले लहर के लिए भी तैयार हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर शहीद अमृत योजना के तहत 9 अगस्त को उन्नाव में शहीद व शौर्य दिवस मनाया गया। इसमें चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली बदरका में हुए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं पुलिस लाइन में भी शहीदों के ऊपर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया
ये 9 अगस्त 1942 के दिन देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सीधे घोषणा की थी कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी स्वाधीनता चाहिए, इससे कम नहीं। जिसके बाद सरकार की तरफ से दमन चक्र चला, बहुत लोगों के घर फूंक दिए गए, हजारों लाखों लोग मारे गए, उनके बलिदान से देश आजाद हुआ है। देश के क्रांतिकारियों ने, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सीधे घोषणा की थी कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी स्वाधीनता चाहिए, इससे कम नहीं। सरकार की तरफ से दमन चक्र चला, बहुत लोगों के घर थूक दिए गए, लोग मारे गए। इसका पूरा आंकड़ा मैं अभी कह रहा था, बिपिन चंद्रा की किताब है इतिहास पर, तो हजारों लाखों लोग मारे गए उस समय। उनकी कृपा से, उनके काम से देश आज़ाद हुआ और आज भारत दुनिया के प्रतिष्ठित देशों में अग्रिम कतार में है। तो उसी की स्मृति में हम लोग ये मना रहे हैं। इसमें सन 42 भी है और 15 अगस्त सन 47 भी, 15 अगस्त तक कार्यक्रम चलेंगे। और हमारी आपके चैनल से अपील है, चैनल के माध्यम से, कि सभी क्रांतिकारियों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, जो लोग भारत माता की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको याद करें और उनके जीवन मूल्यों से जुड़ने का प्रयास करें। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा सोमवार को भी जारी रहा, जिसके चलते कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। मानसून सत्र का यह आखिरी सप्ताह है और विपक्ष पेगासस के मुद्दे पर सदन चलने नहीं दे रहा है। हंगामे के बीच लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 विधेयक पारित किया गया है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन, दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे की वही तस्वीरें। दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हालांकि हंगामे के बीच ही लोकसभा में कुछ जरूरी बिल पास हुए, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के कई दलों के वॉकआउट के बाद सरकार ने जरूरी बिल पास कराए। पेगासस और किसान कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच एक अहम जानकारी देते हुए सरकार ने उच्च सदन में जानकारी दी है कि एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में ये अहम जानकारी दी है। ये जानकारी इसीलिए अहम है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इसी एनएसओ समूह का ही हिस्सा है। विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि उसने एनएसओ समूह से किसी तरह की कोई लेन देन नहीं की है। दोपहर बाद राज्यसभा में भी हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पारित किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के कई दलों के वॉकआउट के बाद कराधान कानून में संशोधन से जुड़ा बिल पारित किया गया। साथ ही लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा विधेयक पास किया गया। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। 2500 विद्यार्थियों को पढ़ाने लायक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की रचना सोची गई है। 750 करोड़ रुपया खर्चा करके, व्यय करके ये विश्वविद्यालय बनने वाला है। उधर हंगामे के बीच लोकसभा में 3 अहम बिल पारित किए गए, जबकि महत्वपूर्ण बिल पेश भी किए गए। सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन बिल 2021, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 के साथ अनुसूचित जनजाति से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पारित किया गया। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक में बैंकों में जमाकर्ताओं को 1,00,000 की जगह 5,00,000 रुपए बीमा गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। दिस इज अ बिल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन टू बेनिफिट स्मॉल डिपॉजिटर्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। सो आई ऑनेस्टली अपील टू ऑल द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द पार्टी। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। योजना के 10 लाभार्थियों को मन से दिया जाएगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर खुली बैठक की अध्यक्षता कर रचा नया इतिहास। उन्होंने समुद्री अपराध असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बांटी राहत सामग्री। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश।
और संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेगासस और किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा रहा जारी। हंगामे के बीच लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 विधेयक किया गया पारित। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।